पारंपरिक खेती को छोड़ अब नकदी एवं बागवानी फसलों पर विशेष ध्यान दे रहा है। मैं फिलहाल मौजूद हूं भरतपुर जिले के रोदावल तहसील के गांव लंगोटपुरा में। यहां के किसान ने सफेद गेंदा की फूलों की खेती की है। दरअसल लंगोटपुरा जो गांव है चारों तरफ पहाड़ है और यहां जो खेती होती है यानी पारंपरिक गेहूं चना सरसों वो भी ढंग से नहीं हो पाती है, लेकिन लंगोटपुरा के किसान ने वो कारनामा कर डाला है। जिस भूमि पर पारंपरिक खेती भी ढंग से नहीं होती है वहां सफेद गेंदे की खेती कर डाली है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं। देखिए करीब 10 बीघा के आसपास ये सफेद गेंदे की खेती की जा रही है और किसान को काफी फायदा भी हो रहा है। मेरे सहयोगी आपको तस्वीर भी दिखा रहे होंगे। जो किसान मालिक हैं उनकी बेटी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से विचार आया। क्या नाम है आपका? रवीना। अच्छा रवीना जी, ये बताइए किस तरह से विचार आया, कहाँ से आपके मन में आया कि हमें ये खेती करनी चाहिए? मोबाइल पे ऑनलाइन करी हुई थी। अच्छा यूट्यूब वगैरह पे देखा था? हाँ ये देखा था, हमारे मन में विचार आया तो फिर हमने ये पेड़ लगा लिए। अच्छा ये पेड़ कहाँ से लेकर के आए आप लोग? भरतपुर से आए, डायरेक्ट ऑनलाइन के हिसाब से पौधा आई थी। अच्छा तो अब लोग यहाँ भी आते हैं खरीदने के लिए? यहाँ भी आते हैं और भैया ने दुकान पे वैनल भी लगा रखा है रुदावल में, वहाँ पीर बेचती है हमारी। मतलब चारों तरफ इसकी मांग ज्यादा सफेद है ना? हाँ हाँ। अच्छा ये भी बताइए कि जिस तरह से आपने ये खेती की है, गेहूं चना भी लोग करते हैं तो उससे तो फायदा हो रहा होगा? हाँ उससे फायदा हो रहा है, दोगुना फायदा तिगुना फायदा हो रहा है हमारे लिए। अच्छा जैसे आपने एक बार लगाई तो कितने बार फूल को आप तोड़ सकते हैं? रोजाना डेली सर्विस तोड़ो, मतलब एक बार लगाने के बाद में एक दो दिन बाद तोड़ते चले जाओ? रोजीना डेली सर्विस तोड़ना। और भी किसान है जैसे गेहूं करते हैं, चना की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, अगर वो इस तरह की खेती करें तो उनको भी फायदा होगा? सबको फायदा होगा। आप मंडियों में कहाँ कहाँ भेजते हैं इनको, कहाँ कहाँ आप सप्लाई करते हैं? आगरा भरतपुर रुदावल सब राउंड ले जाते हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं, आसपास के क्षेत्र हैं जो सब। अच्छा बिल्कुल, देखिए उनके बेटे भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अजय। अच्छा अजय, गांव में पहली बार हो रही है सफेद खेती की? हाँ। कैसा लग रहा है, गांव के लोग के देखने के लिए भी आते होंगे? बढ़िया आते हैं क्या लोग देखने के लिए? हाँ हाँ। तो यहाँ की जो सप्लाई है, जैसे ये सफेद आपने भी ले रखा है, सफेद गेंदे का फूल, पीला तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन मन में कैसे आया आप लोगों की इस तरह की करनी चाहिए? ये हमने ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन देखा था आप लोगों ने? तो एक बार जैसे आपने लगा दिया तो उसके बाद में कितनी बार पैदा ले सकते हैं हम लोग? अब लेते जाओ। अरे इसका कोई वो नहीं है, एक बार लगा दिया तो तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, काफी फायदा होता होगा आप लोगों को। फायदा जब तो क्या है। तो अब बिल्कुल देखिए, ये किसान के बेटे थे और ये बता रहे हैं कि ये सफेद गेंदे की जो इन लोगों ने फूलों की खेती की है वो इनके लिए काफी लाभदायक है। इन्होंने करीब 10 बीघा के आसपास ये खेती की है। हालांकि पीले गेंदे की जो फूल होते हैं उसकी खेती तो तमाम जगह देखी जाती है, लेकिन रुदावल क्षेत्र यानी भरतपुर जिले के जो रुदावल क्षेत्र है वहां सफेद गेंदा की जो खेती हो रही है वो पहली बार हो रही है और ऐसे क्षेत्र में हो रही है जहां पारंपरिक जो फसल होती है वो भी उगाना मुश्किल है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाए। देखिए सफेद गेंदे की जो फूल की खेती है वो बड़ी तादाद में यहाँ की जा रही है और बताया जाता है कि एक बार में अगर यहाँ पैदावार कर ली जाए तो ये लगातार होती जाती है, इनकी कोई भी सीमा नहीं है और दो तीन दिन के बाद में ये फूल तोड़ते चले जाते हैं। और इन्होंने बताया है कि जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे जयपुर है, उत्तर प्रदेश के आगरा है, मथुरा है, भरतपुर है और राजस्थान का जो भरतपुर है, जयपुर है, तमाम ऐसे क्षेत्र है जो MP की सीमा भी लगती है, वहां भी ये लोग जो फूल है वहां इनके फूल वहां तक जा रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं और काफी मात्रा में इन फूलों की मांग भी है। और इन लोगों ने बताया है कि करीब एक बार यानी एक साल में करीब 10 लाख के आसपास इन लोगों को मुनाफा हो रहा है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।